देखो आज का टॉपिक है इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा जो उन्हें कहा जाता है भारतीय प्रवासी, जो लोग भारत से पहले से या बाद में जब भी भारत के बाहर प्रवास करते हैं, ठीक है, उन्हें भारतीय प्रवासी कहा जाता है। उसकी कैटेगरी होती है अलग अलग, उसकी चर्चा करेंगे अभी। जो इंडियन डायस्पोरा है वो उसका जो प्रभाव है वो आप देखो, पहले तो जो विदेश नीतियां अपनाई जाती थी वो ज्यादातर यथार्थवादी प्रकृति की होती थी, तो उसमें कल्चरल और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लिए बहुत जगह नहीं होती। और भारत ने इसे थोड़ा देर में समझा चीजों को लेके, कि जो भारतीय लोग विदेशों में बसे हुए हैं वो अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, नृत्य, कला ना, इन चीजों से कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो भारत सरकार ने 2003 में इस उद्देश्य को ध्यान में रख के भारतीय प्रवासी दिवस की शुरुआत की, ठीक है, 2003 में। और ये 2014 मतलब 15 तक ये प्रतिवर्ष जो भारतीय प्रवास, ये कब मनाया जाता था और किसके उपलक्ष्य में? हाँ, ठीक है, तिथि 9 दिन, बहुत बढ़िया, ठीक है, 9 जनवरी है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, ठीक है, 1915, 1950। तो इसी तिथि को यादगार बनाने के लिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। और इसके पीछे उद्देश्य यह था कि भारतीय जो प्रवासी हैं वो किस तरीके से भारतीय सभ्यता और संस्कृति में योगदान करते हैं, और भारत इनसे किस तरीके से अपने देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए फायदा उठा सकता है। इस इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भारतीय प्रवासी दिवस की शुरुआत की गई। ये भारतीय प्रवासी दिवस 2015 तक, 2015 तक ये प्रतिवर्ष मनाया जाता, ठीक है, प्रतिवर्ष। फिर 2016 से मतलब 2015 के बाद इसे 2 वर्ष के बाद, ठीक है, अब प्रतिवर्ष नहीं मनाया जाता, अब हम सब मनाते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अभी हमने 2023 में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया, कहाँ मनाया? इंदौर, ठीक है। आपको रिसेंट वाला याद रखना पड़ेगा, जब भी आप प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे तो उसके रिसेंट आपको याद रखना पड़ेगा। 2022 में भारतीय प्रवासियों की संख्या का एक डाटा प्रस्तुत किया था संसद में, और उसमें बताया गया था कि जो कुछ राज्य हैं जैसे अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, म्यांमार, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, कनाडा, ये ऐसे देश हैं जहां प्रत्येक देशों में 10 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जिनकी मैंने अभी चर्चा की, आपको नाम लिया, ये ऐसे देश हैं जहां भारतीयों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये जो डायस्पोरा शब्द है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, कभी पूछा जा सकता है आपको, ये ग्रीक वर्ड है और ये लिया गया डायस्पेरियन से। डायस्पेरियन एक ग्रीक वर्ड है, वहां से आया डायस्पोरा, और इसका मतलब होता है फैलाव, यानी हमारे लोग कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्कृतियों के बीच, ठीक है। एक शब्द आपने सुना होगा, गिरमिटिया व्यवस्था, है ना, उसे इंग्लिश में भी गिरमिटिया सिस्टम ही कहा जाता है।
यस, तो गिरमिटिया है ये, गिरमिट एक्चुअल में ना ये अवधि वर्ड है। कैसे वर्ड है? अवधि शब्द। रामचरित मानस किस में लिखी गई है? हाँ भाई, क्या करे, मैं इस हाँ बात ठीक है यार, कोई हाँ बात नहीं, वेलकम। ठीक है, अवधि शब्द से लिया गया। और जो ये गिरमिट शब्द है ना, एक्चुअल में पहले होता था एग्रीमेंट, ठीक है। तो क्या होता कि जो अवधि बेल्ट के लोग, जहां से ज्यादातर लोगों को ले जाया गया एग्रीमेंट के अंतर्गत, वो एग्रीमेंट नहीं बोल पाते थे, तो क्या बोलते थे? ग्रीमिट, ग्रीमिट करते वो गिरमिटिया हो गया, ठीक है। उसे इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। इन देशों के जो गिरमिटिया व्यवस्था के अंतर्गत गए, वो एग्रीमेंट के अंतर्गत ले गया था। कौन ले गया था? ब्रिटिशर्स ले गए थे, ठीक है। आपको पता होगा, ब्रिटेन में जो है स्लेवरी को एबोलिश किया गया कब? 1833, ठीक है। तो उसके बाद लेबर माइग्रेशन शुरू हुई 1833 में। मैं बोली इसका नाम स्लेवरी इन कहा। अब जब स्लेवरी खत्म हो गई, स्लेवरी मतलब दासता, क्या गुलामी, तो पहले गुलाम होते थे, दास होते थे, तो उनसे चाहे जो वर्क करा सकते थे। जब 1833 में ब्रिटेन ने स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया, आप उन्हें लेबर ही नहीं मिल रहे थे, समझ गए। अब जब लेबर नहीं मिल रहे थे, तो क्या किया इन्होंने? एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया, जहां जहां इनकी कॉलोनी थी, ठीक है। उन कॉलोनी से एग्रीमेंट करके लोगों को एज ए लेबर ले जाया गया, कहां पे? कैरेबियन कंट्रीज में, ठीक है। जैसे मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, ठीक है। ऐसे देशों में, कैरेबियन कंट्री में ले जाया गया है। ये गिरमिटिया सिस्टम यही है, जो कैरेबियन कंट्रीज में लेबर गए, वो किस व्यवस्था के अंतर्गत गए? गिरमिटिया व्यवस्था के अंतर्गत ले जाए। अगर देखो इंडियन डायस्पोरा का क्लासिफिकेशन देखा जाए, वर्गीकरण, तो पहले 3 प्रकार का था, अब उसे 2 प्रकार में कन्वर्ट किया गया। पहला एनआरआई, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा। एनआरआई का मतलब क्या हुआ? नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, अनिवासी भारतीय भी बोलते हैं।
वायरेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यह इन्हें बोला जाता है भारतीय मूल के फैक्ट। और तीसरे प्रकार है जिसको बोलते हैं OCI, प्रवासी भारतीय नागरिक या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रवासी भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तीन कैटेगरी है ना, जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय प्रवासी हैं, वो भारत में तीन प्रकार के उनकी कैटेगरी डिसाइड की गई है। पहले प्रकार के होते हैं एनआरआई, ठीक है। एनआरआई कौन हो सकता है? जो 182 दिनों तक भारत में नहीं रहा हो, एक साथ, ठीक है। ये एनआरआई व्यक्तियों को कहा जाता है जिनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, मतलब भारत के नागरिक होते हैं, ठीक है, लेकिन वो 182 देश ज्यादा दिनों तक देश से बाहर रहते हैं, ठीक है। यह इनकी और कैटेगरी है कि पिछले 4 वर्ष में 365 दिन से कम भारत में रहे, यानी 4 सालों में सिर्फ एक साल से भी कम भारत में वो रहे हैं। 365 दिन कितने एक साल में होते हैं, यानी 4 सालों में 1 वर्ष से भी कम समय उन्होंने भारत में गुजारा हो। और चौथे साल उनका फाइनल उस फाइनेंशियल ईयर में 60 से भी कम दिन, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या देते हैं, एनआरआई की संज्ञा। समझिए, एनआरआई किसे कहेंगे? अच्छा, किसको कहेंगे एनआरआई? और उस फाइनेंशियल ईयर में जब हम गणना करते हैं, उस फाइनेंशियल में 60 से भी कम दिन, ठीक है। जैसे पिछले 4 सालों का हम रिकॉर्ड देख रहे हैं, मालूम है चौथे साल में उसकी संख्या 60 से भी कम। दूसरा प्रकार है भारतीय मूल के व्यक्ति, है ना, इसको कहते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन में, हेलो,
सवाल है फिर क्या हो दूसरे प्रकार होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें माना जाता था उनकी पहले पर हालांकि इसे 2015 में इस कैटेगरी को खत्म कर दिया गया मतलब समाप्त हो गई ये कैटेगरी अब पीओआई नहीं है पीओआई को भी ओसीआई में मर्ज कर दिया गया ठीक है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है उसी में भी ये कैटेगरी समाहित कर दी गई। अब भारतीय मूल का व्यक्ति कौन हो सकता था यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो एरिया नोटिफाइड था भारतीय परिक्षेत्र का उसमें उसके कोई भी वंशज दादा परदादा दादी कोई भी निवास करता रहा हो ठीक है तो ऐसे व्यक्तियों को भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाता लेकिन ये कैटेगरी समाप्त हो गई अब इसे ओसीआई में मर्ज कर दिया गया जो थर्ड कैटेगरी है जिसको कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये 2005 में बनी थी ठीक है जी ओसीआई पहले दो ही कैटेगरी थे एक तो एनआरआई और दूसरा पीओआई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दो ही कैटेगरी थी फिर 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने एक और कैटेगरी बनाई थी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई इसमें व्यवस्था थी कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत में संविधान लागू हुआ ठीक है उस दिन कौन उसके पहले कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो भारत से संबद्ध थे जिन्हें नागरिकता प्राप्त हो सकती थी समझ गए यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य थे उनके कोई भी पूर्वज नहीं हो जब संविधान लागू हुआ पीओआई में क्या व्यवस्था थी 1935 जो गवर्नमेंट एक्ट था दोनों में अंतर समझो पहले एक बार समझ लो फिर लिख लेना अपनी भाषा में एक बार समझ लोगे फिर भूलेगा नहीं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया 2005 में कैटेगरी बनाएगी पीओआई में व्यवस्था थी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में कि जिनके भी दादा परदादा कभी भी भारत के नागरिक रहे हो और जो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था उसके अंतर्गत जो भी नोटिफाइड सर्किल थे जितना भी उसमें पाकिस्तान भी था बांग्लादेश भी था समझ गए उस समय के 1935 के अधिनियम में तो सारे क्षेत्र थे उन क्षेत्रों के लोग भारत के नागरिक बनने के योग्य लेकिन उसमें संशोधन करके कुछ लोगों को छोड़ दिया गया बाद में उन राज्यों का नाम क्या है पाकिस्तान बांग्लादेश यानी ये नागरिक तो बन सकते थे क्योंकि 1935 के नोटिफाइड एरिया में आते हैं क्योंकि भारत तब विभाजित नहीं था लेकिन भारत सरकार ने इनमें संशोधन कर दिया कि इन देशों के नागरिकों को छोड़ के जो अन्य देशों में बसे होंगे उनको भारतीय प्रवासी का दर्जा भारतीय प्रवासी नागरिक का दर्जा दिया जाए उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश चीन ईरान श्रीलंका और नेपाल इनके नागरिकों को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के अंतर्गत माना नहीं गया बात को समझ गए वह चेहरे से ऐसे लगता है कि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो क्या मैं कह रहा हूं कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाए हैं ईमानदारी तो बताओ नहीं तो आगे बढ़े जो नहीं समझ पाए मैं दोबारा बताऊंगा चलो ठीक है फिर से बता दो पहले
इंडियन डायस्पोरा जो भारत प्रवासी है उसे भारत में तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तीन श्रेणियों में विभाजित करेंगे। पहली श्रेणी है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय जो भारत में निवास नहीं करते। दूसरी कैटेगरी है पीओआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिन्हें भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाता है। और तीसरी कैटेगरी है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें व्यवस्था थी कि जो भी नागरिक भारत से बाहर, जो इंडियन पासपोर्ट हो जिसके पास, भारत का नागरिक हो लेकिन 182 दिन से ज्यादा कहाँ रहता हो और भारत में 182 दिन से कम रहता हो, उससे ज्यादा दिन कहाँ रहता हो, भारत के बाहर रहता हो। फिर उन्होंने दूसरी कैटेगरी इसी में बनाई कि 4 सालों में वो 365 दिन से कम भारत में रहा हो, यानी 4 सालों में, पिछले 4 सालों में कोई भी नागरिक भारत के बाहर लगभग 3 साल गुजारे और 1 साल से कम भारत में रहे, तो ऐसे नागरिकों को क्या दर्जा देंगे, वो कहना है। किसी को कंफ्यूजन है? दूसरी कैटेगरी बनाई पीओआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसमें कहा गया कि 1935 भारत सरकार किया, भारत ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो पढ़ रखा होगा। कितने लोगों ने नहीं सुना भारत सरकार अधिनियम 1935, फिर उनके समझ में नहीं आएगा। अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे कानून पास किए गए थे, मतलब तो उसमें 1909 का एक्ट इम्पोर्टेंट है, 19 का इम्पोर्टेंट है और 35 का इम्पोर्टेंट है, तीन चार एक्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये टॉपिक पढ़ोगे जो कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट ऑफ संवैधानिक विकास, उसमें आप पढ़े होंगे ये टॉपिक, ठीक है, जिसने भी पढ़ाया हो। इसमें कहा गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो भारत का परिक्षेत्र नोटिफाइड था, अधिसूचित था, समझ गए। अब 1935 के भारत शासन अधिनियम में तो सारे देश थे भाई, बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, भारत भी था, ठीक है, कश्मीर का कोई डिस्प्यूट भी नहीं था, तो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक थे हम, एक बड़ा क्षेत्र था। अब वो उन सभी लोगों को भी नागरिकता मिल सकती थी जो जिन्होंने भारत से बाहर का रुख किया, यानी वो समय उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली थी लेकिन वो भारतीय मूल के व्यक्ति माने गए। फिर सरकार ने कहा कि 1935 के अधिनियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान सभी देशों के लोग आ जाएंगे, तो उन्होंने एक एक्सेप्शन बनाया अफगान कि इन देशों को छोड़ के, यानी अगर इस इलाके का कोई व्यक्ति, जैसे मान लो जो भाग पाकिस्तान में चला गया, वहां से कोई व्यक्ति भारत का ही रहा हो और वो जाके अमेरिका में बसते हो, ठीक है, और फिर वो बाद में क्लेम करता है कि मैं भारत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के परिच्छेद में मेरे दादाजी रहते थे, ठीक है, इसलिए मुझे भी भारत का नागरिक माना जाए, भले मैं अमेरिका का नागरिक बन चुका हूं, ठीक है, ऐसे लोगों को भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि जो अमेरिका में बस गए हैं, यूके में बस गए, उन्हें तो हम नागरिकता दे देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोग पाकिस्तान में बस गए, अफगानिस्तान में बस गए, ईरान में बस गए, या अफगानिस्तान में बस गए, बांग्लादेश में बस गए, उनको नागरिकता नहीं, उन्हें भारतीय मूल का नागरिक होने का दर्जा प्राप्त नहीं। इतनी सी बात नहीं, समझ में आई? आगे बढ़े। तीसरी कैटेगरी 2005 में बनाई गई, 2005, और इस कैटेगरी में था इंडियन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रवासी भारतीय नागरिक। 2003 से जब से हमने भारतीय प्रवासी दिवस शुरू किया, तब से प्रवासियों की जो मान्यता थी, जो इम्पोर्टेंस था, वो लगातार बढ़ता जा रहा था, और सरकार को भी समझ में आया कि भारतीयों की जो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनकी खोज की जानी चाहिए, उन्हें ट्रेस करना चाहिए,
ठीक है, उसके लिए अभियान भी चलाया गया, एक कंपेन चलाई गई थी, ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये अलग श्रेणी बनाई गई थी, उन्हें ओसीआई कार्ड भी दिया गया, ठीक है, ऐसे नागरिकों को ओसीआई कार्ड मिलता था। एक प्रकार से ओसीआई कार्ड दोहरी नागरिकता की तरह था, समझ गए, मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप, यानी आप उस देश के भी नागरिक माने जाओगे इस देश के भी, लेकिन ऐसा ऑफिशियली ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं दी गई, ये भी बात याद है, लेकिन वो एक तरह से दोहरी नागरिकता के समान ही वो कार्ड माना जाता था, ठीक है, और जिनके पास उसे एक कार्ड था उन्हें भारतीय नागरिक की तरह ट्रीट किया जाता। अब इसमें क्या बनाया गया कि 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ तक 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ और भारत का जो परिक्षेत्र था, ठीक है, वहां से लेके 26 जनवरी 1950 तक, यानी 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक जो भारतीय परिक्षेत्र स्पेसिफाइड, समझ गए, उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह नहीं आएंगे, जो भारतीय परिक्षेत्र है वहां का नागरिक किसी देश में रहता हो तो उसे हम ओसीआई का दर्जा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, समझ गए बात। बाद में 2015 में जब मोदी जी की सरकार आई तो ये पीओआई का स्टेटस खत्म कर दिया गया, और ये जो पीओआई था इन्हें कहां मर्ज कर दिया, सेम, तो किसी को ना समझ में आओ तो मुझे बताओ इस बात। तीन कैटेगरी है प्रवासियों की और तीनों के अलग अलग क्राइटेरिया, और भी बहुत चीजें मैंने बताई थी शुरुआत में, टाइम से आया करो 12 बजे। अरे टाइम चेंज करो, है ना, तो ओसीआई में कहीं भी कोई भी नागरिक रहता हो, लेकिन उसमें भी दो देश अपवाद हैं, कौन कौन से, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, जिनके जो भारतीय लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश चले गए होंगे, जैसे इसमें तो कई देश थे, उन्हें उनके बच्चों को यहां भी ओसीआई कार्ड प्राप्त नहीं हो, यानी भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश को तो कहीं भी नागरिकता नहीं मिलनी भारत में, समझ गए। अब हम अगर वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट देखें 2022 की, उससे आपको पता चलेगा कि कितने भारतीय सिटीजन या भारतीय मूल के लोग दुनिया में रहते हैं, तो 2022 की जो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है वो कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है और सबसे ज्यादा प्रवास करने वाले भी भारतीय हैं, नंबर एक पे भारतीय, दूसरे नंबर पे मैक्सिको, फिर रूस, फिर चाइना, ठीक है, मैक्सिको के लोग ज्यादातर कहाँ रहते हैं, अमेरिका में, है ना, इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो दीवाल बनवाने की बात कर रहे थे, एक बड़ी वाल बनवाएंगे कहाँ, अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पे, ठीक है, सब बहुत ज्यादा मैक्सिकन जो है वो अमेरिका में रहते हैं,
तो भारत भी इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग किसी और देश में रहते हैं उनमें पहले नंबर पे कौन आता है? भारत। इसीलिए इंडियन डायस्पोरा की महत्ता या इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा देखो, टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस, ये मैं आपको वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के डाटा बता रहा हूं, ठीक है। टॉप डेस्टिनेशन मतलब सबसे ज्यादा लोग, भारतीय लोग कहाँ जा रहे हैं? तो पहले नंबर पे UAE, सबसे ज्यादा भारतीय किस देश में जा रहे हैं? UAE मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। लगा भी तो भैया उसमें लगा दे, सर यूनाइटेड अरब अमीरात पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स, और तीसरे नंबर पे सऊदी अरब है। सर अच्छा एक चीज और देखो, जिसके ज्यादा लोग बाहर रहेंगे पैसा कमाएंगे और वो कहाँ भेजेंगे? इंडिया में, ठीक है। तो वो जो मनी हम बैग पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। हाँ जी, कनाडा कनाडा है पांचवी। यहाँ लेबर माइग्रेशन ज्यादा होता है यूएई और सऊदी अरेबिया में, ठीक है। और कनाडा, यूएसए, यूके, ठीक है, इन सब में हम स्किल्ड लेबर ज्यादा हो, ठीक है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में व्हाइट कॉलर जॉब। नहीं सुना? व्हाइट कॉलर जॉब, ऐसी जॉब जिसमें कॉलर व्हाइट ही रहती है। तो समझ गए ना, ज्यादातर आईटी, मेडिकल प्रोफेशनल्स, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन के लोग दुनिया में है। 2022 में जो वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जारी हुई थी, उसमें कहा गया कि भारत ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा वार्षिक प्रेषण पाता है, यानी सबसे ज्यादा रेमिटेंस। लगभग 100 बिलियन डॉलर पर ईयर, ठीक है। और अगर 2020 का डाटा देखो तो 83.5 मिलियन डॉलर, और 2021-22 में भारत 89 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो लगभग हम कहाँ जा रहे हैं? 100 बिलियन डॉलर की तरफ जा रहे हैं पर ईयर, केवल रेमिटेंस प्राप्त करते हैं, समझ गए। और ये किसी भी देश के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है कि नहीं? कैसे, कोई बताएगा? कोई भी बताओ, ये जो रेमिटेंस हमें मिलता है उसका कोई भी फायदा है हमें, कोई बेनिफिट्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया, और कोई, उससे क्या फायदा होगा? बिल्कुल, जो भुगतान संतुलन होता है उसमें मदद मिलती है, क्योंकि जितने ज्यादा भारतीय बाहर रहेंगे उतने ज्यादा हमें विदेशी मुद्रा भंडार प्राप्त होगा अलग अलग देशों का, ठीक है।
और उससे हमें भुगतान संतुलन की जो हमारी समस्या होती है वो कम होना। सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में देखो तो भारत पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे मैक्सिको, माइग्रेशन में सेकंड नंबर पे है मैक्सिको, तो तीसरे नंबर पे मैक्सिको, चौथे पे फिलीपींस और पांचवे पे इजिप्ट। ये ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा वार्षिक प्रेषण प्राप्त करते हैं, ठीक है, विदेशी मुद्रा इनकी सबसे ज्यादा। अगर मैं तुम्हें वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट का एक डाटा दूं, 2000 ऐसे लिखने के लिए नहीं, बस समझ लो कितने भारतीय बाहर रहते हैं, बस मैं इसकी संवेदनशीलता बताना चाह रहा हूँ, सेंसिटिविटी कितनी ज्यादा है। तो कनाडा में लगभग 16.81 लाख लोग रहते, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में 44 लाख, यूके में सबसे ज्यादा, पहले से भी ज्यादा लोग, मतलब कम संख्या नहीं रहती, फिर भी लगभग 17.61 लाख, यानी कनाडा से भी ज्यादा कौन रह, कहाँ के लोग रहते हैं। फिर कुवैत में लगभग 11 लाख लोग रहते हैं, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में 26 लाख भारतीय, इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो पूरा देश आ जाता है। अगर मान लो 26 लाख लोग रह रहे हैं, 10 लाख लोग भी प्राइम मिनिस्टर को देखने चले गए। एक हाउडी मोडी कार्यक्रम हुआ था अमेरिका में, है ना, डोनाल्ड ट्रंप दहशत में आ गया कि भाई इतने सारे लोग, मतलब मोदी की कितनी लोकप्रियता है। श्रीलंका में 16 लाख लोग रहते हैं भारतीय, मैंने इसकी समस्या भी बताई थी आपको, तमिल्स लोग हैं ज्यादातर लोग। मलेशिया में लगभग 30 लाख इंडियंस हैं, साउथ अफ्रीका में, हमारे एक रिश्तेदार भी हैं, साउथ अफ्रीका में रहते हैं लगभग 16 लाख लोग। म्यांमार नाम सुना है, म्यांमार, वहां भी कम लोग नहीं रहते, 20 लाख इंडियंस हैं। है ना, तो अगर पूरा तुम डाटा देखो इंडिया का तो लगभग 184 मिलियंस माइग्रेशन है, माइग्रेंट पीपल भारत के करेंटली, और ये पूरी इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 2.3% है। है? अब देखो अगर इनके थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ते हैं कि इनकी, इनको ज्यादा महत्व तो क्यों दिया जा रहा है आज, इसमें पहला पॉइंट आप लिखो कि ये भारत की जो सॉफ्ट पावर है ना उसे बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब भारत की जो सॉफ्ट पावर क्षमता है, या 3-4 पॉइंट में लिख लो आप, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, पॉलिटिकल इंपैक्ट, है ना, और डिप्लोमेटिक रिलेशन, कितने पॉइंट मिले तुम्हें?
है ना, इंक्रीज द सॉफ्ट पावर ऑफ सॉफ्ट पावर कैपेसिटी ऑफ इंडिया, कुल टोटल आपको 5 पॉइंट मिलेंगे जिनका इनका इंपॉर्टेंस है। अब हम एक एक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अगर तुम समझ गए हो तो आगे बढ़े कोई नहीं, या डिस्कस करें। पहला, इंक्रीज द सॉफ्ट पावर कैपेसिटी ऑफ इंडिया, भारत की जो सॉफ्ट पावर क्षमता है, मैंने आपको बताया था सॉफ्ट पावर कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए आज के टाइम में। पहले हम कल्चर पे इतना फोकस नहीं करते थे, किन चीजों पर फोकस करते थे? ज्यादातर मिलिट्री हार्डवेयर वगैरह पे, सेना पे, सेना के मॉडर्नाइजेशन पे ज्यादा खर्च करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, ये इंडियन डायस्पोरा की मदद लेके भारतीय, आपने देखा अभी जितने डाटा मैंने बताया, किसी भी देश के साथ रिलेशन डेवलप करने में भारतीय प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज के टाइम में भारतीय प्रवासी दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत सारे राजनीतिक पदों पे हैं, और महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पे हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर भी है, रक्षा मंत्री भी है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं। आप देखो भारतीय प्रवासियों के महत्व को कम नहीं कर सकते आप, किसी भी देश में देख लो आप, तो इनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है उस देश में। कल्चरल इम्पैक्ट ये है कि उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, तो सभ्यतागत रूप से वो भारत से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और ऐसे लोगों के अंदर भारत के प्रति हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर होता है। जैसे मान लो तुम अभी सहारनपुर हो, प्रैक्टिकल के लिए तुम कहीं ना जाओ, तुम सिर्फ अपने ही देश में चले जाओ, इधर गुजरात में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, नागपुर चले जाओ, मुंबई चले जाओ, थोड़ा सा दूर 3000 किलोमीटर दूर, फिर कोई तुम सहारनपुर का कोई मिलेगा ना, तो तुम एकदम दौड़ के गले मिलोगे, तुम वो नहीं कहोगे कि किस धर्म के हो, जात के हो, किस संप्रदाय के हो, किस क्षेत्र में, भाई सहारनपुर में तो कहाँ का है, ये कुछ पहले तो यूपी यूपी का मिल गया तो है ना, अगर यूपी नहीं मिला तो, अगर यूपी के बाद वो इत्तेफाक से सहारनपुर का निकल गया, फिर तुम्हारी बॉन्डिंग बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी, ये ह्यूमन नेचर है ना। तो भारत के लोग जब भारत के बाहर रहते हैं तो भारतीय होना ही उनके लिए एक बॉन्डिंग है, और ऊपर से अगर वो मिल गए कि हम यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, पंजाब है, गुजराती है, ठीक है, फिर तो क्या कहना, समझ रहे हो बात? तो कल्चर, जो कल्चरल कनेक्टिविटी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, और उसमें भाषा भी, बहुत सारे भारतीय हैं जो विदेशों में जाके घर पे भारतीय भाषाएं बोलते हैं, अब वो आपस में मिलने पे भी हिंदी बोलते हैं, अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो वो डांट देते हैं, कई लोगों को मैंने देखा। इसका मतलब उनका लगाव है भाषा के प्रति, कि उसमें आत्मीयता है हमारी, समझ गए बात? उन्हें सेकेंडरी लैंग्वेज सब आती है, लेकिन फिर भी वो अपने, आपने सूरीनाम के जो प्राइम मिनिस्टर भारत में आए थे, आपने देखा उन्होंने अवधी और भोजपुरी में बात की, क्योंकि मॉरिशस, फिजी, गुयाना में ज्यादातर कहाँ के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग, अवधी बेल्ट के लोग हैं, तो भोजपुरी बहुत ही ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और जो भोजपुरी फिल्म में बनती है ना, वो हम लोग नहीं देखते इधर, मतलब, लेकिन वो उस बेल्ट के बाद सीधे वहीं जाते हैं। और जो फिल्में है ना बॉलीवुड, जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन है बॉलीवुड का, वो बहुत बड़ा योगदान देता है, कोई भी साउथ का आदमी हो, भले वो हिंदी ना बोलता हो, लेकिन हिंदी उसे आती है, क्यों आती है, क्योंकि वो हिंदी फिल्में देखता है और हिंदी फिल्में भाषा सिखा देता है, ठीक है, अपने ड्रेसेस, त्योहार, और विदेशों में और धूम से दिवाली और होली मनाई जाती है, इतना अपने देश में प्रभाव नहीं है, उससे ज्यादा कहीं विदेशों में प्रभाव, क्योंकि वो लोगों गैदरिंग करने का मौका देती है एक दूसरे के साथ, समझ गए? तो इससे क्या किया भारत ने, भारत ने इसका स्ट्रेटेजिकली यूज करना शुरू कर दिया, रणनीतिक इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, कि जो हमारा इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड के अलग अलग कोने में है, उससे भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, भारत के साथ संबंधों को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, और भारत में इन्वेस्टमेंट आएगा,
आएगा कि नहीं आएगा? अगर कोई पॉलिटिकल पोस्ट पे है, कोई राजनीति पकड़ रखने वाला है किसी देश में, कोई अभी हमारे देश का ही आदमी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर भी है। आप सोचो तुम, क्या वो भारत के पे सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते? अपने कल्चर्स को भी वो प्रोपोगेट करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, घूमते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मतलब वो तो उनका अपना प्राइवेट मामला है, लेकिन कल्चर्स भी को भी कनेक्ट किया जा रहा है कि नहीं? कहां से किया जा रहा है? इंडियन ओरिजिन से ही तो कनेक्ट हो रहा है। तो भारत के लोग अगर दुनिया के किसी भी कोने में है, महत्वपूर्ण पदों पे है, पोजीशन पे है, तो उसका फायदा भी भारत को मिलना चाहिए। इसीलिए इंडियन डायस्पोरा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब कल्चरल डिप्लोमेसी की वजह से इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ रही है। सॉफ्ट पावर का मतलब भारत की जो इमेज है वो लगातार बेहतर हो रही है विदेशों में, समझ रहे हो? अगर मान लो भारत की इमेज, जैसे आप किसी मोहल्ले में रहते हो, मैं उदाहरण के रूप में, और मोहल्ले में आपकी इमेज ऐसी हो जाए कि अरे ये तो बहुत झगड़ालू है, हर बात पे लड़ता रहता है ना, इसके लड़के तो किसी को भी मार देते हैं, पीट देते हैं, फिर तुम्हारे परिवार की इमेज खराब होनी शुरू हुई, पूरी फैमिली की। अब जो इन्वेस्टमेंट आएगा तुम्हारे यहाँ, इन्वेस्टमेंट में क्या मतलब, कोई शादी ब्याह, कोई कोई फंक्शन, तो तुम्हारा घर छोड़ के वो दूसरा घर तलाशेगा, क्योंकि आपके घर की सॉफ्ट पावर इमेज जो थी वो आपने खत्म कर ली। और जब वो गुडविल तैयार होती, वो एक दिन में होती नहीं, धीरे धीरे ही तो खराब करोगे। और एक मोहल्ले में तो खराब होने में 6 महीना लग जाएगा, सारे पड़ोसियों से झगड़ा कर लो, खत्म। इंडिया ये काम नहीं करता। इंडिया हमेशा अपनी पावर को, अपने क्षमताओं को, आप देखो हमारे पास, हम भले बहुत सारे हमारे ऊपर रेड़े, लेकिन हम पड़ोसियों की मदद करने में कहीं भी नहीं चुके। दुनिया के किसी देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, सबसे पहले मदद करने वाला देश इंडिया, ठीक है? हम किसी भी देश में कोई आक्रमण नहीं करते, कोई आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, ठीक है? इसलिए हमारी सॉफ्ट पावर सबसे बेहतर। कुछ दिनों पहले जो हमारी इमेज थी, जैसे कि इन्वेस्टमेंट क्यों रुक रहा था, क्योंकि रेड फेटिज्म की वजह से, लाल फीताशाही जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी वजह से थोड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई कंपनी भारत में आती थी तो उसको 20 जगह से क्लियरेंस लेने होते थे कि भाई लैंड प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट ना हो, वहां से क्लियरेंस चाहिए, है ना, इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी क्लियरेंस चाहिए, ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का क्लियरेंस चाहिए, तो अलग अलग जगह वो घूमते रहते थे, फिर वो थक के वापस चले आते। अब भारत ने उसमें भी सुधार किया कि आप भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे तो हम आपको एक बेहतर अवसर प्रदान करेंगे। इसीलिए भारत सरकार तो छोड़ दो, इंडिया की जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं वो भी इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर रही जगह जगह, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी नोएडा में किया, लखनऊ में किया, है ना, और अपने अधिकारियों को विदेश भेजा जा रहा है कि आप वहां एक एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करो कि भारत में एक अच्छा माहौल है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, तो कंपनियां भारत में आएंगी। तो ये क्या है, ये भारत की इमेज ही तो है। अगर भारत की इमेज पाकिस्तान जैसी हो जाए, कोई इन्वेस्टमेंट मिलेगा, कोई एफडीआई आएगा भारत में? सोचो, नहीं आएगा। तो हमने इस्तेमाल किया किसका, भारतीय प्रवासियों का, जो हमारे देश से जुड़े हुए लोग हैं, जो दुनिया के हर कोने में रहते हैं, और मैंने आपको बताया हर देश में लगभग 10 लाख लोग हैं, और अच्छे अच्छे मैं उसमें से बहुत सारे अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण पद और पोजीशन पे हैं। इसलिए भारत क्या कर रहा है, उनसे थोड़ा लाभ लेने की स्थिति में है, अच्छे रिश्ते बना रहा है दूसरे देशों के साथ, और भारत में अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा अवसर भी उपलब्ध। बात को समझिए, अभी देखो हमने 2005 में, 2008 में न्यूक्लियर डील किया, साइन हुई 2008 में, 2005 से चल रहा था किसका, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, जब मैंने आपको अमेरिका पढ़ाया था, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, भारतीय प्रवासियों का जो अमेरिका में रहते हैं, समझ गए? तो भारतीय प्रवासी ने जोड़ दिया भारत और अमेरिका के रिश्तों पे। आज अमेरिका और भारत के रिश्ते इतने प्रगाढ़ हो रहे हैं
तो उसमें केवल सरकारों का योगदान नहीं है, आप उसको डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत सारे भारतीय प्रवासी जो भारत अमेरिका में अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल। जो एनआरसी आया वो भी भारतीय प्रवासियों के डिमांड पे आया, ठीक है। उसी तरीके से अभी देखो कुछ दिन पहले किसानों के लिए आंदोलन चल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि जो भारतीय प्रवासी बाहर रहते हैं वो सरकार के विचारों से एक सहमत भी होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे देश में मान लो कुछ चल रहा है और उनकी आइडियोलॉजी से हम फेथ रखते हैं, बिलीव करते हैं, तो हम उनको मदद भी करते हैं। जैसे किसान आंदोलन के टाइम पे बहुत सारे अलग अलग देशों में रहने वाले प्रवासियों ने किसानों की मदद की, है ना। ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा मैं एंटी गवर्नमेंट बातें पर, लेकिन आप देखो कई बार क्या है कि इंडियन डायस्पोरा गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट में भी खड़ा होता है और कई बार अपने लोगों के साथ भी खड़ा होता है। यानी अगर वो भारत के लोग हैं, भारत किसी मुसीबत में है तो वहां के उनके साथ खड़ा होता है। दूसरा, आर्थिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में देखोगे तो जो हम रेमिटेंस पाते हैं विशेषकर पश्चिम एशिया से सबसे ज्यादा, वेस्ट एशिया से, क्योंकि जो लेबर माइग्रेंट माइग्रेंट है हमारे देश के वो ज्यादातर कहाँ है, पश्चिम एशिया में, सऊदी अरब, ईरान, ओमान, कुवैत, है ना, सबसे ज्यादा है। और ये ऐसे लोग हैं जिनका घर नहीं है वहां पे, जिनके परिवार के लोग इंडिया में रहते हैं, तो कुछ भी वहां से वो कमाते हैं वेस्ट एशिया से तो वो कहाँ बेचते हैं, भारत में। तो अगर क्षेत्र वाइज देखो तो भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहां से मिलता है, वेस्ट एशिया से। और जो यूके में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उसमें से आप 70% तो वहीं के नागरिक हो गए, ठीक है। उन्होंने अपने घर वालों को भी बुला रखा, कई पीढ़ियों से वही है, उनका भारत में रेमिटेंस उतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जब वो ग्रीन कार्ड मिल जाता है उन्हें फिर वो देश छोड़ देते हैं। 10 सालों तक तो चलता रहता है, 10 सालों के बाद। तो वेस्ट एशिया का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे देश में है। अच्छा, तो मुझे लग रहा है 3-4 पॉइंट मैंने आपको लिखवाया। ये सवाल आया हुआ है तो प्रिलिमेंस में आया हुआ है कि भारतीय प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान और चुनौतियां क्या हैं, है ना, इनका कंट्रीब्यूशन और जो चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं दूसरे देश में वो क्या है, उसके बारे में। तो ये प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेंस में भी सवाल। कुछ चैलेंजेस के बारे में हम चर्चा करें, तो चैलेंजेस में भारतीय लोकतंत्र में पहला है कि भारतीय प्रवासी की भूमिका क्या है। तो मैंने आपकी भूमिका के चैलेंजेस में अगर देखो तो भारतीय प्रवासियों की भूमिका पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग देश के बाहर रहते हैं और अलगाववादी शक्तियों को भी प्रमोट करना शुरू करते हैं, बाहर से उन्हें फंडिंग भी करते हैं, ठीक है। भारत सरकार के लिए ये एक चैलेंजिंग है। दूसरे, जैसे कानूनों में सुधार की बात है, जैसे अनुच्छेद 370 हुआ, एनआरसी है, फिर उसके बाद जो अभी नागरिकों के लिए हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ले आए, ठीक है। ये सिटीजनशिप जब मैं पढ़ाऊंगा ना इंडियन पॉलिटी वाले चैप्टर में, तो जो रिसेंट कंट्रीब्यूशन हुए उन सब की चर्चा करेंगे। अभी तो आईआर चल रहा है तो आपको मेन के रूप में विशेष रूप से देखना है, पॉइंट्स पॉइंट ध्यान में रखना है कि क्या क्या है, ठीक है। तो पहला तो है कि इनका योगदान क्या है भारतीय लोकतंत्र में। तो मैंने आपको बताया कि योगदान इनका, जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इस अर्थ में हो सकता है कि वो हमारी इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं, रेमिटेंस भारत को भेजते हैं, भुगतान संतुलन में फायदा मिलता है, ठीक है।
इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहायता मिलती है, बहुत सारी एफडीआई बाहर से आती है, ठीक है, बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ रहा है, उसमें भी भारतीय प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये इनके पॉजिटिव कोऑपरेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ। निगेटिव में क्या है, कई बार ये जबरदस्ती कुछ ग्रुप्स के साथ अलायंस कर लेते हैं, उन्हें बाहर से फंडिंग भी करते हैं और भारत सरकार के लिए चुनौतियां पेश करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो आप डिटेल में पढ़ लेना कैसे क्या करना, ठीक है, क्योंकि पब्लिक मंचों पे ये सब चीजें बोलेंगी ना। लेकिन आप सोचो कि इनके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट। निगेटिव में बहुत कम लोग हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि सारे हैं, लेकिन कई बार विचारधाराओं का फर्क होता है, कई लोग हमारी बातों से सहमत नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूं, अब तुम 100 मान लो तो 60 को ही समझ में आएगा, 40 फिर भी मुझे बाहर जाके कुछ कहेंगे, मेरी जगह कोई और भी आएगा उसके भी यही हाल हो। तो मेरे कहने में मतलब ये था कि आप किसी भी विचारधारा के साथ या किसी व्यक्ति के साथ आप 100% कॉन्सेंट नहीं दिखा सकते, ठीक है। पति पत्नी तो इतना क्लोज रिलेशन होता है, उसमें तो सहमति बनती नहीं पूरे जीवन कि बनती है। कभी देखा अपने मम्मी पापा को, छोटी छोटी बातों पे भिड़ जाएंगे, हैं? फिल्मों वाले मन देखो, फिल्मों में तो आलोक नाथ जी फादर बने हैं, मदर तो हैं, निरुपमा कुमार राय वाली मदर, मतलब आइडियल चीजें हैं, है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेम कम होगा, प्रेम तो इंटरनल चीजें होती हैं किसी के प्रति, पर वैचारिक मतभेद उसे कहते हैं, है ना। वो नहीं लड़ रहे हैं तो नफरत कर रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं तो नफरत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कोई तीसरा भिड़ जाए फिर देखो दोनों एक होकर पिटेंगे उसे, समझ गए। वो इंटरनल उनका अपना प्रेम है, पर एक्सटर्नल में वैचारिक मतभेद होते हैं, डिस्प्यूट हमेशा होते हैं, ठीक है। तो भारत सरकार की नीतियों के साथ या भारत सरकार के संगठनों के साथ 100% सहमति रखने वाला ग्रुप नहीं है वहां, जो इंडियन डायस्पोरा विभिन्नता है, उसमें भी बहुत सारे लोग विचारधाराओं को अलग अलग तरीके से, जब जैसे अभी हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के वो देखा, बहुत सारा विवाद हुआ। अब इलेक्टोरल बॉन्ड तो जब अरुण जेटली जी थे फाइनेंस मिनिस्टर तो इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी ले आए, और ये पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ होगा इसमें, फिर भी वो पॉलिसी आई। अब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले टोटल जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब टोटल मनी है वो लगभग है 12,000 करोड़। 12,000 करोड़ में से जो एसबीआई द्वारा डाटा दिया गया उसमें 6,000 करोड़ बीजेपी को मिला, ठीक है, और 6,000 करोड़ का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो अलग अलग पार्टियों को अलग अलग रेशियो में मिलेगा। उसमें विवाद कुछ अलग तरीके का है, जब मैं आपको बता दूंगा बात, ठीक है। जो वो वोटिंग वोटिंग राइट देने की बात चल रही है, उन्हें अभी दी नहीं गई है, उन्हें देने की बात चल रही है। जैसे एनआरआई है, एनआरआई तो भारतीय नागरिक होते हैं, तो भारतीय नागरिक को वोटिंग के टाइम में इंडिया रहना पड़ेगा अपने परिक्षेत्र में, वो राइट टू वोट करने का उन्हें अधिकार है क्या? हाँ तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम आई कि एनआरआई तो ज्यादातर बाहर रहते हैं, अब एनआरआई जब बाहर रहेंगे तो वोटिंग के टाइम पे वो नहीं पहुंचेंगे, तो उनके वोट का क्या? तो वो प्रॉक्सी वोट डिसाइड करने के लिए आया था कि मेरी जगह, जैसे मैं बाहर हूं तो मेरी जगह मेरी पत्नी बच्चे या कोई भी मेरा कार्ड लेके डाल सकता है उसके। वो बिल अभी संसद के द्वारा पास नहीं है, मतलब वो पूरी तरीके से लागू नहीं है, ना उसपे प्रेसिडेंट के साइन हुए, ठीक है, वो लोकसभा में पारित हो गई थी और राज्यसभा से आगे बढ़ी नहीं।
ये देख लीजिए, अगर आपके परिवार का कोई आर्मी में रहता है तो उनके जगह पे कोई भी दूसरा व्यक्ति वोट कर सके। वैसे ही व्यवस्था एनआरआई के लिए की गई थी, लेकिन वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है, लेकिन एनआरआई चाहे तो वो अपने उस क्षेत्र में आके वोट कर सकते हैं। अभी प्रॉक्सी वोटिंग उनकी शुरू नहीं, ठीक है? बाकी आगे अपडेट ले लेना अपना, अगर शुरू हो जाए तो ठीक। दूसरा जो चैलेंजेस इंडियन डायस्पोरा के साथ था वो COVID-19 के टाइम पे आया। COVID-19 के टाइम में बहुत सारे देशों ने कंटेनमेंट पॉलिसी लाया, मतलब छटनी करने की नीतियां। तब वो क्या करते थे कि बहुत सारे भारतीयों को भी वहां से लौटना पड़ा अलग अलग देशों के द्वारा, और उन्होंने मतलब ऐसे कानून बना दिए थे कि इतने परसेंट से ज्यादा विदेशी हमारे देश में नहीं रहेंगे। COVID-19 इम्पैक्ट के बाद बहुत सारे देशों ने इस तरीके की नीतियां बनाई, उनसे भी निपटने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय प्रवासी जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं, इसलिए भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे देशों के साथ वो डील करे। तीसरे प्रकार की चुनौती जिसमें पश्चिम एशिया की अस्थिरता है। ज्यादातर हमारे देश के लोग कहाँ रहते हैं? वेस्ट एशिया में, और वेस्ट एशिया इस समय सबसे अस्थिर जगह है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन में लड़ाई चल रही है, ईरान सऊदी अरब के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है? इराक के साथ क्या हुआ आपको पता ही है ना? तो इस तरीके की वहां मिस्र के साथ भी इसराइल के साथ संबंध खराब है। तो पश्चिम एशिया की अस्थिरता हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालने वाली है। अगर पश्चिम एशिया अस्थिर हुआ, अनस्टेबल हुआ, आपसी गृह युद्ध में हो गया, या एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई में छिड़ गया, तो बहुत सारे भारतीय प्रवासियों को वहां से निकालने की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? और उससे हमारा जो प्रेषण हो रहा है, वार्षिक प्रेषण, वो भी कम हो जाएगा, मतलब इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा। वो तो अभी भारत सरकार के जो जरूरत है वो ये है कि वो इन पे गौर रखे, इन पे महत्वपूर्ण ध्यान रखे कि वेस्ट एशिया में क्या चल रहा है, उस घटनाक्रम पे पूरी निगाह रखने की आवश्यकता हो। इसी तरीके से कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं, जैसे भारत सरकार के द्वारा जो पॉलिसी लाई जाती है कोई भी, उसमें पता होगा आपको कि नौकरशाही की भूमिका बहुत अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में कई बार डिले हो जाता है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सही ढंग से नहीं मिल पाता, ये भी रेगुलेटरी मतलब नियामकीय चुनौतियां हैं, ठीक है? जो भारत सरकार के द्वारा रूल बनाए जाते हैं उसमें कई बार क्या होता है कि हमारे देश के लोग जब दुनिया में किसी भी देश में रहते हैं, उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन डायस्पोरा के लिए, मतलब जितने भी भारतीय प्रवासी भारत में रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, उनकी जान माल की सुरक्षा भारत सरकार के लिए चुनौती, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी घटनाएं भारत के बाहर भारतीयों के साथ घटित होती है। इसी तरीके से आप देखो श्रमिकों को लेके अभी सऊदी अरब में एक कानून आया था जिसको कहते हैं निताकत लॉ। ये क्या है कोई बताओ? इसमें इस कानून में ये व्यवस्था थी कि जो आपको पता होगा लेबर्स क्या करते हैं, उनके स्थानीय
जैसे कई बार क्या होता है, मान लो सहारनपुर में बिहारी लोग आ जाए, बिहार के लोग आ जाए, वर्कर्स आ जाए, और आपके घरों में वो काम करने लगे, मकान बनाने में या कोई भी काम, खेती का काम में, तो सारे भिड़ जाए। बात को समझ लो, गंभीरता से। फिर सहारनपुर के लोग क्या करेंगे? वो कहेंगे हमें तो रोजगार ही नहीं मिल रहा है, हमारे रोजगार को कौन खत्म कर रहा है? बिहार के लोग, या कहीं से भी आए पंजाब के लोग आ जाए, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ का वर्कर्स होगा इस एरिया का, उसके अंदर असंतोष आएगा कि नहीं आएगा भाई, जब वो काम नहीं पाएगा, ठीक है। और कोई स्थानीय, जैसे मान लो जब आउटसोर्सिंग की बात होती है, जब आपने पढ़ा होगा जो बीपीओ वगैरह चला, कॉल सेंटर की जॉब जॉब चली, तो वो भारतीयों को ही क्यों सबसे ज्यादा मिला? क्या अमेरिकन को इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती? ब्रिटिशर्स को नहीं आती? बीपीओ या कॉल सेंटर में टेलीकम्युनिकेशन जॉब सबसे ज्यादा इंडियंस को ही क्यों दी जाती है? हमारे हमारे देश का आदमी कहता है, जो स्किल्ड युवा भी होगा वो भी कहेगा कोई बात नहीं, मैं 20,000 में काम करूंगा। अमेरिकन कहते हैं 20,000 में कुछ नहीं होगा, मुझे 1 लाख चाहिए महीने का, कम से कम $5,000। अब जो कंपनी है, आपको पता होगा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है, आज के टाइम में कंपनी क्या कर रही है, अब एक सामान अलग अलग कंट्री में मैन्युफैक्चर कर रही है। कहां? आपने 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो उसमें एक पॉइंट है कि उद्योग धंधे लगाने के लिए अनुकूल दशाएं कहाँ है, तब वो कहते हैं, उसमें लिखा है, मुझे, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तुम तो पढ़ रहे होगे, कि जहां सस्ता श्रम हो, ठीक है, जहां सरकार का लिमिटेड हस्तक्षेप हो, यानी मिनिमम गवर्नेंस, लिमिटेड गवर्नमेंट। अब मिनिमम हस्तक्षेप होना चाहिए सरकार का, और सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, तो ये जो अनुकूल दशाएं होंगी, पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, लैंड कैसे उठना हो, किसी प्रकार का, ऐसे जगहों पे बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो उद्योग लगाती हैं, सस्ता श्रम प्राप्त करने के लिए मजदूर प्राप्त कर लेती हैं, ठीक है। उन्होंने श्रम वहां अपनी कंपनी खोला, बनाया, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जो भी यूनिट बन रहे हैं उसे पूरे दुनिया के किसी भी कोने में वो बेच देंगे, है ना। अब जो लेवाइस के शूज है मान लो, तो उनके लेस कोई और बना रहा है, सोल कोई और बना रहा है, कवर कोई और बना रहा है, जहां जहां उनको सस्ता श्रम मिल रहा है वहां से ले रहे हैं, अपनी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो दुनिया के हर कोने में खोल रहे हैं, समझ गए। तो हमारे देश के युवाओं को ही क्यों ज्यादा रोजगार मिला है? इसलिए कि हमारे देश के युवा 20,000 30,000 में काम करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, लेकिन उनके देश के युवा तैयार नहीं है। और सरकार को क्या देना पड़ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता, टीए भी देना पड़ रहा है, बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है। विदेशों की कई सरकारें जब अपने नागरिकों को रोजगार नहीं दे पाती तो वो बेरोजगारी भत्ता देती हैं, तो वो इसलिए ये सोचती हैं कि हमारे देश के नागरिकों को पहले रोजगार मिले। तो जब सऊदी अरबिया का देश ने ये कानून ले आया, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे लोकल रोजगार हैं उनमें 10% से ज्यादा हम बाहर के लोगों को नहीं रखेंगे। आप वहां के कंपनियों को या वहां के सेठों की ये मजबूरी है, जो भी होते होंगे वहां जहां लोग जाते हैं काम करने, कि वो 10% से ज्यादा भारतीय या विदेशी नहीं रख सकते। 90% किसको रोजगार देंगे? सऊदी अरब के लोकल सिटीजन को रोजगार देंगे, समझ गए। इस तरीके का कानून अगर कोई देश पास करता है तो उससे दूसरे देश को नुकसान होता है, होता कि नहीं होता? अब जहां भारत के 1 लाख लोग जाते होंगे, वहां भारत के कितने जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोग जाएंगे, 90,000 लोग रहेंगे। तो इन चुनौतियों से भी कई बार भारत सरकार को निपटने की आवश्यकता होती है, बात को समझ गए। तो इंडियन डायस्पोरा ऐसे नहीं कि सारे मजे ही काट रहे, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं बिफोर द इंडियन डायस्पोरा और बिफोर द इंडियन गवर्नमेंट।
इसलिए इनके लिए कुछ, जब आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि आप कुछ सुझाव दीजिए मैं कैसे इन चैलेंजेस से निपटा जाए, है कि नहीं। जब आप मेंस राइटिंग करोगे तो भाई ये प्रॉब्लम है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये उसके विषय हैं, इस तरीके की चुनौतियां हैं। अब इंडियन डायस्पोरा जो इस तरीके की चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो भारत सरकार की क्या भूमिका है, तो आपको कुछ तो सुझाव देने पड़ेंगे। तो पहला सुझाव जो लिखा था, एक तो काउंसलर सर्विसेज को बढ़ावा देना है भारत सरकार की, क्योंकि जो विदेशों में लोग रहते हैं, कई बार क्या होता है कि अपनी व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से, जो वहां के लोकल सरकार के लोकल कानून हैं उनकी वजह से, कई बार बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। इसलिए उनको काउंसलिंग की आवश्यकता होगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, तुम लोग एक फिल्म देखना है, फिल्में भी कई बार समाज का आईना होती है। फिल्म का नाम है सॉरी द गोल्ड लाइन, ठीक है आप देखना। उसमें एक आदमी जाता है सऊदी अरबिया काम करने, बहुत अच्छा सुंदर सा युवा जाता है, और वहां ऐसे कैसे काम करने पड़ते हैं उसको, मतलब बकरियों के बीच में रहना, दूध दोना, मतलब ऐसे तरीके की इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ्स, और ये ट्रू इवेंट पे बेस्ड है ये स्टोरी, समझ गए। कहीं मिल जाए तो देख लेना, और बहुत ही बेहतरीन मूवी है। तुम ये तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे कि पढ़ाई सबसे जरूरी है, बहुत मजे की चीज है, तुम्हें अवसर मिल रहा है और तुम सौभाग्यशाली हो, है कि नहीं। तुम अपने आप को भाग्यशाली मानो, मानो कि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। आप देखो बाहर कितनी कितना स्ट्रगल है लोगों, तो ये आप कभी मिल जाए मौका तो देख लेना। एक आदमी जाता है, उसका पूरा जीवन तबाह हो जाता है वहां, कैसे कैसे बच के वो आता है अपने देश, मतलब तुम रो दोगे उसकी कहानी देख के, मतलब बहुत ही इमोशनली कनेक्ट करता है लोगों को। तो ऐसे लोगों को जरूरत होती है किस चीज को, काउंसलिंग। नहीं मजाक की बात नहीं है, तुम लोग हंस रहे हो, लेकिन वास्तव में बाहर ऐसा नहीं है कि जो बाहर लोग जा रहे हैं उन्हें लगता है कि दूसरे देश में जा रहे हैं, वो दूसरे देश में जाके बहुत सारे काम है ना, तरह तरह के काम करने पड़ते हैं। या तो तुम स्किल्ड लेबर हो भाई, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तुम जाके वही काम करोगे, ठीक है, पर आप एज ए लेबर जा रहे हो, सरकार को तो फायदा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी कमाओगे देश में भेजोगे, देश उसे दिनार को रियाल को कन्वर्ट करके रुपए में दे देगा, लो भाई, है कि नहीं। लेकिन जो लाइफ का स्ट्रगल है उनका बहुत ही खतरनाक है, वो सब चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। तो पहला तो काउंसलर जो सर्विसेज हैं उसे सेटअप करने की जरूरत होती है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो कई बार ओवरसीज कंट्रीज हैं, जो दूसरे देश हैं, उसमें भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इम्प्लांट कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। कई बार रोजगार की संभावनाएं दूसरे देशों में भी बढ़ाई जा सकती है, जैसे भारत में भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ऐसा नहीं है भारत से नहीं, तो वो भारत सरकार ये कर सकती है, ये चाहती है कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो यूनिट्स हैं, वो वहां लगाई जाए जहां भारतीयों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जा सकती है, कानूनी सहायता उन्हें उपलब्ध कराई जा सकती है, अगर उस देश में है तो उन्हें भारत सरकार के द्वारा कानूनी सहायता समय पे उपलब्ध। इसके अलावा एजुकेशन, भारत सरकार अगर कोई बाहर जा रहा हो तो उसको कम से कम भारत सरकार के द्वारा थोड़ा एजुकेट किया जाना चाहिए, उस देश के बारे में बताना चाहिए, उस देश के कल्चर्स के कानून के बारे में, है ना, जो वहां का लेबर लॉ है,
उसके बारे में भी स्टडी कराना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कोई एग्रीमेंट हुआ कि भाई मैं आपको ओमान ले जा रहा हूं, अब तुम तो पूरे जीवन रहे सहारन हो, तुम्हें ओमान का क्या पता, पर 30 साल में तुम मुस्कुरा रहे हो मैं ओमान जा रहा हूँ। ओमान में पता नहीं कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी, क्या कानून है लेबर को लेके, क्या कानून है, ठीक है, किस किस कंडीशन में वहां रहना पड़ता है, वो सारी चीजें एजुकेट करने की जरूरत है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। ये अच्छा उपाय है कि नहीं उपाय, कि जो इंडियन लोग बाहर जाएंगे उन्हें अच्छे से एजुकेट करें, नहीं तो वो फंस के रह जाते हैं। फिर कई बार मैंने सुना है उनका वीजा पासपोर्ट भी जब्त हो जाता है और वो उसी देश में स्लेवर स्लेवरी के रूप में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं, दासता के रूप, ठीक है। इन चीजों से भी बचने के लिए उन्हें एजुकेट करने की जरूरत है जिस देश में वो जा रहे हैं। नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। अगर मान लो कोई आदमी वहां फंस गया इस तरीके की, तो भारत सरकार के द्वारा उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जा सकता है, वित्तीय मदद भी पहुंचाई जा सकती है। किस लिए? ताकि वो अपने देश वापस आ सके, है कि नहीं जरूरत? इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ कैंप भी लगाए जा सकते हैं समय समय पे, जो इंडियंस लोग हैं उनके चेकअप के लिए भारत सरकार के द्वारा। तो ये इस तरीके की सर्विस चैलेंजेस हैं जो मेजरमेंट अपनाए जा सकते हैं भारत सरकार के द्वारा, वो है। अब क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा कर लो। ये तो मैंने आपको बताया जो चैलेंजेस हैं, दूसरे क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, भारत सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है या क्या क्या करने की जरूरत है। अब हम एक टॉपिक और चर्चा करेंगे कि हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय अपनाए जा चुके हैं, ठीक है। उसमें पहला ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम 2005, ये इस पहला वाला तो यही लिख लेना, ओसीआई स्कीम लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी भारतीय होने का क्लेम करेगा उसको लाइफ लॉन्ग वीजा प्रोवाइड हो जाएगा, और वो भारत को मल्टीपल एंट्री होगी, भारत में कितनी बार भी वो भारत आ जा सकता है, समझ गए। यही यही जो मैंने लिखा आपको, ओसीआई स्कीम 2005, पहला पॉइंट। इसमें भारत सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया था कि अगर वो भारतीय नागरिक होने का दावा करता है तो उसे लाइफ लॉन्ग वीजा प्रोवाइड होगा, ठीक है। जैसे अभी आप अमेरिका जाना चाह रहे हो तो आपको वीजा ऐसे ना आसानी से नहीं मिल जाएगा, आपको बताना पड़ेगा आप किस लिए जा रहे हो, कितने दिन रुकोगे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती। लेकिन ओसीआई स्कीम में भारत सरकार ने कहा कि जो भी भारतीय नागरिक हैं भारतीय मूल के, उन्हें लाइफ लॉन्ग वीजा होगा और उनकी मल्टीपल टाइम एंट्री होगी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, है ना, फायदेमंद। दूसरी प्रयास किया गया, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाने लगा। पहले प्रतिवर्ष मनाया जाता था जिसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को भारत के प्रति जागरूक किया जाए, भारत में बुलाया जाए, उनका सम्मान किया जाए, ठीक है। तो भारतीय प्रवासी दिवस हर साल मनाया जाता है, लेकिन 2015 के बाद इसे प्रति 2 वर्ष में कर दिया गया। तो दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो, भारतीय प्रवासी दिवस भारत सरकार के द्वारा ये मनाया जाता है जनवरी 9, 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? मैंने शुरू में चर्चा किया था, जब लेट आओगे कैसे पता चलेगा। 1915 में महात्मा गांधी पहली बार साउथ अफ्रीका से भारत आए, लेकिन पहली बार नहीं आए, एक और डेट है जिसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए आए थे, वो डेट मुझे याद है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, तुम वो काम करके आना, कुछ तुम भी करो। एक ऐसा ईयर है 1800 कुछ, मैं बताऊंगा नहीं, मैं
उसमें महात्मा गांधी भारत आए थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग भी लिया था, लेकिन परमानेंट वो कब आए, 1915 में 9 जनवरी को भारत आए। उनकी याद में भारतीय प्रवासी दिवस प्रत्येक 9 जनवरी को मनाया जाता। अब 2015 को जब मोदी गवर्नमेंट आई तो इसे प्रति 2 वर्ष के बाद कर दिया गया। अब 15, 17, 19 और 21 और 23, अभी रिसेंट में 2023 में मनाया गया इंदौर में, ठीक है। तीसरा, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड लोगे, भारतीय प्रवासी भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये भी 2003 से ही शुरू किया गया था, एनआरआई और पीआईओ के लोगों के लिए, जो भारतीय मूल के लोग, उन्हें सम्मानित किया जाता है। ऐसे प्रवासी भारतीयों को जिनका भारत में बड़ा योगदान होता है, भारत के डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, भारत में कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन देने में, जिन भारतीयों का, प्रवासी भारतीयों का ज्यादा बड़ा योगदान होता है, उन्हें प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है, ठीक है। 2006 में भारत सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई थी, जिसको कहते हैं भारतीय, सॉरी, प्रवासी भारतीय बीमा योजना। प्रवासी भारतीय बीमा योजना कब शुरू की गई, 2006। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, तुम इमिग्रेंट्स जो वर्कर्स होते हैं, अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल जाओगे तो ही आपके ऊपर ये इमिग्रेशन रूल लागू होता है, तो ही भारत सरकार आपकी मदद कर सकती है ना। वो फिल्म देखी शाहरुख खान की, डंकी? नहीं देखी? कितने लोगों ने देखी? उसमें भी एक प्रॉब्लम है, तो दिखाई गई है। अगर वो फिल्म नहीं देखना है तो ध्रुव राठी का एक वीडियो आता है, देख लेना, डंकी एड में। वो एक रास्ता होता है, जहां जैसे मान लो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जा रहे हो, थ्रू प्रॉपर चैनल कैसे जा सकते हो, अगर आपको कनाडा अमेरिका का वीजा मिलेगा तभी तो जा सकते हो, वर्किंग वीजा चाहिए, अप्लाई करोगे, आप एलिजिबल होगे तो ही वो देंगे, जो कोटा होगा उसके अनुसार जाओगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर चैनल जाओगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, उस देश में जितने दिन आपका परमिट है, वर्क परमिट है, उतने दिन आप काम करोगे, अगले दिन आप भारत वापस आ जाओ, उस सरकार का भी कोई दिक्कत नहीं। अगर इस दौरान अगर उस देश की सरकार ने आपके ऊपर कोई एक्शन लिया तो इंडियन एम्बेसी उस पर कार्रवाई करेगा, उसकी डीलिंग इंडियन गवर्नमेंट खुद करती है, ठीक है। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी और उस देश की होगी। जैसे हमारे देश में कोई सिटीजन घूमने आ जाता है, कोई उसके साथ कोई घटना घट गई, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इंडियन गवर्नमेंट की है, क्योंकि वो बकायदा वीजा लेके आया है, आपकी परमिशन से आया आपके देश में, ये नहीं विदाउट परमिशन आ गया, समझ गए ना। उसके ऊपर वो इंडिया के सारे कानून लागू होते हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसके ऊपर है, इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप गलत रास्तों से जाओगे, है ना, फिर अगर वहां फंस गए, जेल में चले गए, मर गए, तो उसकी कोई जिम्मेदारी ना उस सरकार की है ना इस सरकार। तो ये अवैध जो प्रवासन हो रहा है।